छोटे मामा कर रहे हैं बच्चों वाली हरकतें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका। काम धाम करके पूरी रेडी हो गई हूं, तो चलते हैं बाहर की तरफ और आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और एक कमेंट करके जरूर बता देना आप मेरी वीडियो कहां कहां से देख रहे हो। अगर खटीमा सितारगंज से हो तो अपना गांव का नाम कमेंट में डाल देना, और अगर अदर स्टेट से हो जैसे बिहार यूपी तो वो भी कमेंट में डाल देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ब्लॉग अदर अदर जगह से देख रहे हैं, तो जरूर कमेंट कर देना। तो चलते हैं हम बाहर की तरफ, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर से भाई बैठे पड़े हैं हमारे ताऊ जी और हमारे चाचा टीवी देख रहे हैं। कौन सी पिक्चर आ रही है ताऊ, कौन सी पिक्चर आ रही है? देख ले रहा हूँ भैया, याद होता है ना। ये पिक्चर है क्या? सुहाग पिक्चर है ये, चल रही है सुहाग पिक्चर। और जैसे मैं आती हूँ चाचा बिल्कुल मुंह छुपाकर पूरे रेडी हो जाते हैं। हमारे घर चून खत्म हो गया, चून बोले तो आटा खत्म हो गया है। तो मम्मी जी बना रही हैं गेहूं को। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता दें, इसे कहते हैं सूपो। तो सूपो से फटकती है, पहले फटकने का मतलब एक और दिखाओ तो मम्मी कैसे करते है? ये देखो। और उसके बाद क्या, इसका क्या रोल है? ये जो छानता जो कचरा होता है, गिल्ली डंडा वगैरह कटो हो दाना सब नीचे गिर जाता है। अच्छा, तो ये रहा ऐसे छानने के लिए। और चाची कहाँ गई? चाची है अमाऊ गई। अरे चाची गई है अमाऊ। और ये देखिए समीर क्या कर रहे हैं। पता है समीर बहुत ज्यादा काम करते हैं, अभी है ना काम करके आ गए थे और खाना खा के अब जा रहे हैं, और पीक पीक बजा रहे थे। बजा के दिखा दो जरा पीक पीक, बताओ ऐसे है ये तो क्या काम है? हार्ड वर्क। यही बताना चाहते हैं, अब करने जा रहे हैं हार्ड वर्क, वो भी बाइक से। देखो बेचारे हवी हमारे गए। मौसम आज ना बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, बिल्कुल कड़कड़ कड़कड़ की आवाज कर रहा है। इसीलिए हम ना ये हल्दी भी उठा दे रहे हैं, मम्मी ये जल्दी गेहूं बना दे रही हैं, और उसके बाद जाएंगी चारा काटने के लिए कि चारा जल्दी काट लाती हूँ, वरना बरसात आ गई तो हो गया काम। मेरी पता नहीं कौन सी आदत है, मैं नहा धो तो लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े सूखने डालने के लिए मैं रहने देती हूँ। बताओ क्या आपने ये खाया है? ये रहा भतुआ का साग। तो भतुआ का साग हमने सुखा लिया है, और सुखा कर पता है अब इसको अब आप कभी भी खा सकते हैं। इसका सीजन नहीं भी होगा ना तब भी आप खा सकते हैं। इसको पानी में हल्का सा भिगोएंगे, उसके बाद जैसे सब्जी बनाते हैं वैसी सब्जी बना देंगे। और सुखा कर पता है हम सब कुछ सुखाते हैं, ये भतुआ का साग सुखा दिया, और ये तुक्का सुखा दिए, और मूरी कहाँ गई? मूरी भी सुखा देते हैं, गोभी भी सुखा देते हैं, सब कुछ सुखा कर आप खा सकते हो। ये देखो ये रही मूली, और इसमें गोभी है, देखो ये देखो फूली वाली गोभी। पता है अगर ना ऑफ सीजन आ ही गया है गर्मी का, तो गर्मी के टाइम पे ना ये सुखा लेते हैं, और हम ना इसका भी स्वाद लेते हैं, ठंड के मजे समझ लो एक हिसाब से आप। ये देखिए अभी भी बेर है, पता है आपको, इसको ना अमृत बना के खाते हैं हम। है तो समझ लो चार लोग, अब चार नहीं, अब चार से हो गए हम नौ लोग। तो नौ लोग हैं, और ये पूरी चारपाई देखोगे ना पूरी थाली से भरी रहती है। बता अभी रुकना, ऐसे ही रुकना, हम जा रहे हैं मामा के पास। छोटे मामा कर रहे हैं बच्चों वाली हरकतें। ये देखिए देखो रोंडी दे पापा काटा ना। अब पहले पता है आम के पत्ते के बना लेते थे ऐसा फनफना बनाने के लिए। क्या आपके यहाँ पर हुए हैं ऐसे फूल? ये देखिए ओ काटे तुम क्या रे बाबा। ये देखिए गुलाब का गुच्छा एक ही जगह इतने सारे, और एक तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पता है देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, और इसकी ना आप टहनी भी लगा सकते हो वैसे ही लग जाएंगे। अरे आस पड़ोस में जितने लोग हैं ना, तो फूल लगाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, बहुत ही ज्यादा शौक है। कमेंट करके बताए किन किन को फूल लगाना पसंद है। एक ना वीडियो बहुत ज्यादा इंस्टा में पहले वायरल हुआ था, पत्ते लिख कर मरिया बोले हाय हाय हाय, लेकिन आजकल क्या वायरल हो रहा है? अरे पत्ते लिख कर मरिया बोले पोए पोए पोए। पत्ते लिख कर मरिया करके दिखाओ, जल्दी आओ। अरे पतली कमरिया बोले पोए 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 हाय हाय पोए पोए को। अरे पतली कमरिया बोले पोए पोए पोए।
और एक बात बताऊं आपको, ये देखिए ना मेरी साड़ी, आप देखोगे ना तो ये देखिए बिना लेस की निकल रही थी ना, सारी की सारी निकाल दी। अब ये बनेगी रस्सी, तो रस्सी कम आएगी अब। हाँ अब लकड़ी करने जाएंगे पता है, ये इससे ये टैटू। अरे पतली कमरिया बोले पोए पोए पोए, अरे पतली कमरिया बोले पोए पोए पोए। हेलो मैक्स, कैसे हो? बढ़िया हो ना? चलो हटो, अब हो गया गंदा। अरे पतली कमरिया बोले पोए पोए पोए। चलो भाई अब बहुत ज्यादा फनी हो गया, चलो फिर ठीक है अब ना थोड़ा आराम कर ले। ये बेचारे हमारे देवर है ना, कहाँ जाएं, और रात पढ़ने के लिए गए नहीं तो भाभी टीवी चला दो, भाभी टीवी चला दो, भाभी टीवी चला दो, भाभी टीवी चला दो। अब जाने लगे बेचारे क्या करे। हाँ चलो फिर ठीक है, मैं ना सो लू और फिर खाना पकाने का टाइम हो जाएगा तो। तो भैया हम तो सो रहे थे और मम्मी चिल्लाते हुए आई है। हाँ ठीक है चलो भैया अब उठकर चाय बना ले, मशीन बना रहे हैं, चारा काटने वाली सब निकल गई थी, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पता है, मशीन सारी की सारी हट गई थी, अब बेचारी भैंस क्या खाए। मिस्त्री लगे हुए हैं मशीन बनाने में, पहले मशीन तोड़ी थी उसके बाद बना रहे हैं। नहा लो, ये देखो ये कैसे बने हुए हैं। चलो भाई हम बना ले चाय। तो नानी ना बाकुला बाकुला निकाल रही थी इसमें, अब पता है बाकुला का सीजन जाने वाला है तो ये अब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब एक दो टाइम बचा है खाने में, अब हो गया खत्म। चलो फिर चाय बना ले अब हम, ये है शाम की चाय, 4 बज गया है और लो आप भी पी लीजिए चाय, अब बनेगा खाना। चाची जी आ गई हैं मायके से, तो चाची जी कब आएंगे मिस्त्री? कल मिस्त्री कल आएंगे, आज तो नहीं आए। चाचा पता है वो देखिए वहाँ पर एक कुर्सी कुर्सी थी, वहाँ से भाग गए, वहाँ पिक्चर बना रही है। ये देखिए ये है दीपांशु हमारे देवर। तो वैसे मम्मी और चाची क्या सलाह सूत हुई, फिर क्या बनाए? उसना आलू पका ले। उसना आलू बनाने के लिए कह रही है और पीछे से आवाज आ रही है, देखो बरी देखो देखो कैसे चुप गए, सब दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर बैठे हैं सलाह सूत कर रहे हैं, कब आएंगे मिस्त्री? मिस्त्री आए ना, कल कहीं आने मेरे से, कहीं आ जाएंगे तो गाड़ी पकड़ जाएगी हमारी। अरे तो आज भाई आए ना है। हाँ तो अब कल लांगे, बड़ा टेंशन में पड़े हैं कल कैसे 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 कैसे, कैसे जल्दी बन जाते तो। हाँ क्योंकि अब गेहूं पकने वाले हैं ना, तो इतनी ज्यादा टेंशन जल्दी जल्दी भैया पड़ जाए, अब मिस्त्री आए ना है। हाँ तो अब कब से परेशान है। हाँ बहुत ज्यादा परेशान है, जल्दी सब फाइल हुआ है। अब देखो अब ये खराब ही रहो, बादल आए रहो, आंधी तूफान आए तो कहाँ जाएंगे। सही बात, और ये ना अब जैसे रेता रेत, ये देखो रेत तो ढुल गया है, अब ये बरसात आने को हो रहा है, तो सबका सब जितना भी ये गड्ढा खुदा है ना, सारे सब में रेत अपने आप ही पड़ जाएगा, तो कैसे होगा? तभी इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन में है कि क्या क्या करें। चलो फिर अब हम तो खाना बना ले, और बड़ी बात लो अब ये उसना आलू बनाएंगे, बरी उसना आलू, बरी उसना आलू, बरी उबले हुए आलू की कड़ी। कतई ये कतई सटपटाएगा यही तक सबके सब, तो बड़ी कह रहा 70 रुपये खराब लग गए। चलो फिर अब हम भाई खाने में लग जाते हैं, चलो लेके आओ जल्दी जल्दी। 5 बज गया है और हमारे हबी काम से आ गए हैं बेचारे, हार्ड वर्क करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द आती है इन पे, पता नहीं कब मैं इनको काम छुड़वा पाऊंगी। जो मैं करूंगी वैसा करोगे क्या? पक्का करोगे ना? क्या करना है? करोगे बताओ ना। कर लेंगे ठीक, ऐसे करो ऐसे ठीक है। क्या करा रहे हैं? अरे पतली कमरिया बोले करो करो ना प्लीज। मैं नहीं कर रहा, करो ना एक बार आओ समीरा पर हम करें हम ठीक है। तो समीर आ गए हैं और फिर वीडियो एंड करने के, अरे एंड करने से पहले जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे पतली कमरिया बोली पोए पोए पोए।
अरे पत्ते लिख कमरिया बोले पोए 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 खाए खाए। चलो ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन का बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, कि जब भी मेरी वीडियो पड़े और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके बाय। तो हमने चाय बना ली है, ये लो आप भी पी लीजिए, पी लो जी। तो हमने चाय बना ली है, लो आप भी पी लीजिए। ये है शाम की चाय, चार बज गई है। फिर से माई मच्छी बने रही है। देखिए हमारी मम्मी की ब्लॉगिंग कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताएं।